हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का सबसे फेमस डिश आलू बड़ी, जिसे गुजरात में पात्रा और यूपी बिहार में से रिकवच के नाम से जाना जाता है। सो चलिए आज यूपी और बिहार का सबसे फेमस डिश बनाते हैं रिकवच, जिसे हम आलू बड़ी भी कहते हैं। सो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आलू बड़ी बनाने के लिए मैंने कुछ पत्ते लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से धुलकर पोंछ लिया और इसके मैंने पीछे का हार्ड वाला सेक्शन निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे बड़े सारे पत्ते हैं, इसे मैंने काफ़ी अच्छे से पोंछ लिया है। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, तो जिसके लिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्च लिए। इसमें मिर्च मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि आलू बड़ी थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। और करीबन 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का अचार, आप इसके जगह नींबू, इमली का पल्प या आम का अचार भी ले सकते हैं। और हमें मसालों में चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और हींग ले लेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच चावल लिया, जिसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे भिगा दिया था। आप इसके जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा बड़ी काफ़ी क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे, तो इसमें मैं चावल, भिगे हुए चावल डाल दूँगी और करीबन 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसके जगह छिला हुआ भी अदरक यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ये यूज़ किया। और साथ ही मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी और मैं मिर्ची का अचार भी डाल दूँगी। आप इसके जगह नींबू का रस, इमली का पल्प या फिर आम का अचार भी आप डाल सकते हैं। अरवी का पत्ता खाने से गले में हल्की सी खुजली आती है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम खटाई डालते हैं। और साथ ही में करीबन 2 चम्मच इतना पानी डाल देंगे, ताकि हमारा पेस्ट काफ़ी अच्छे से पीस जाए। सो मैं इसे अब मैं पीस लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी इसे अच्छे से पीस लिया है। अब चलते हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें सारा पेस्ट अब मैं डाल दूँगी जो हमने तैयार किया था। और साथ ही में मैं इसमें करीबन 1.5 कप इतना बेसन यूज़ करूँगी। अगर आपका पत्ता ज़्यादा है तो आप इसमें 19-20 कर सकते हैं। अगर आप चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पे चावल का आटा भी डालें, करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। अब मैं इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1/4 चम्मच से कम हम इसमें हींग डाल देंगे और इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ड्राई। अब हमने मिक्सी के जार में थोड़ा सा मैंने पानी लिया, इसी पानी को हम यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेना है। हमें धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बैटर तैयार करना है, एक बार में ना डालें, क्योंकि इसका बैटर ना ही थिक होगा ना ही एकदम फ्लोई होगा, नॉर्मल बैटर होगा, ना एकदम थिक ना एकदम पतला, मीडियम में ही होगा। सो आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं ना ही एकदम थिक है ना ही एकदम फ्लोई है, बिल्कुल हमें इसी तरह का बैटर चाहिए, ताकि वो पत्ते पर ईजिली चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा वाला पत्ता रहेगा उसको हम सबसे नीचे रखेंगे और उल्टा साइड ही हम इसे करेंगे। तो मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लूँगी, मैं इसी थाली को यूज़ कर लेती हूँ, इसे उल्टा करके एक बार इसे क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा वाला पत्ता को हम उल्टा की तरफ रखेंगे, उल्टा की तरफ ही हम इसे बेसन का लेप लगाना है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। और इसका हार्ड वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया। अगर आपका पत्ता फिर भी हार्ड है तो आप एक बार इसे बेलन से रोल कर ले, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए तभी ही ईजिली रोल हो पाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन का पेस्ट लगा लूँगी। हमें इसे हाथों से अच्छी तरह से फैला लेना है। आप चाहे तो इसे स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से काफ़ी अच्छे से फैल जाता है ये। आप देख सकते हैं इसे कोने कोने से काफ़ी अच्छी तरह से हमें इसे फैला लेना है। और दूसरा पत्ता हम इसके अपोजिट रखेंगे और सारे पत्ते को मैंने हार्ड वाले पोर्शन निकाल दिया है, नहीं तो ये रोल नहीं हो पाएंगे। तो हर पत्ता हमें इस एक दूसरे के अपोजिट रखते ही जाना है। तो इसी तरह हम सारे पत्ते को इसी इवनली स्प्रेड करते हुए हम चिपकाते जाएंगे। मैंने एक रोल में करीबन 6 से 7 पत्ते मैंने यूज़ किया है, और जितने छोटे पत्ते हो आप उसे बीच में एडजस्ट करते जाएँ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट को अब हम अंदर की तरफ दबा देंगे और इसे बेसन से अच्छी तरह से इसे सील कर देंगे, ताकि ये खुले ना। इसे ऊपर की तरफ से हम इस तरह से मोड़ देंगे और इसे बेसन से चिपका देंगे।
अब साइड का भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और इसे भी बेसन से हम चिपका देंगे ताकि ये खुले ना। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। अब हम इसे ऊपर ऊपर के तरफ से इसे मोड़ते आना है, रोल करते आना है। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से करते जा रही हूँ। हमें एक्स्ट्रा जो बाहर पत्ते निकले उसे अंदर की तरफ दबाते हुए लें और बेसन का लेप लगाते रहें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ये बाहर निकले ना। आप देख सकते हैं हमारा रोल काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है और इसे थोड़ा साइड में भी हम बेसन लगा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पत्ता अगर बाहर निकलता होगा तो वो बेसन से चिपक जाएगा। सो मैं इसी तरह से एक दो रोल और तैयार कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसेस से सारे रोल को तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं स्टीम करने के लिए। तो स्टीम करने के लिए मैंने इडली का बर्तन लिया। आप चाहे तो कोई पतीला ले ले या फिर गहरी कढ़ाई ले ले ताकि उसमें अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो मैंने पहले से इसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इडली के इस बर्तन स्टैंड में मैं हल्का सा तेल लगा दूँगी ताकि वड़ी हमारा चिपके ना। इसे मैं अब रख देती हूँ। अब हम इसमें सारे रोल को रख देंगे। जिस तरफ हमने इसे चिपकाया है वो वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ रखना है ताकि वो खुल ना जाए। रोल को मैं रख दूंगी इसमें। अब इसे ढक के मैं करीबन 30 से 40 मिनट के लिए इसे हमें पकने देना है। तो इसे अब हम ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। करीब 40 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा आलू बड़ी काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो मैं इसे एक बार नाइफ़ से चेक कर लेते हैं ताकि ये अंदर से भी पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें नाइफ़ डाल के चेक कर रही हूँ तो देखिए काफ़ी एकदम क्लीन आया, मतलब ये अंदर से भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। सो फ्रेंड्स वड़ी हमारा ठंडा हो चुका है तो अब मैं एक चॉपिंग पैड पर इसे रख लूँगी और इसे मन चाहे साइज़ में हम इसे काट लेंगे। मैं इसे एक एक इंच के इसमें काट लूँगी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अंदर से काफ़ी कितने अच्छी लेयर बनी है और काफ़ी अच्छी लग रही है ये। सो अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करें, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है ये शैलो फ्राई में भी। सो मैंने करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम सारे वड़ी को डाल देंगे और इसे अलटते पलटते हुए काफ़ी क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी बना है। मैं आप चाहे तो इसे और भी डार्क कर सकते हैं लेकिन मुझे यहीं तक पसंद है तो मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल दूँगी। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर आप डायरेक्ट बैटर में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे दिखता काफ़ी थोड़ा अच्छा है। और ये हमारा रिक्वेस्ट तैयार है एकदम खाने के लिए। आप इसे प्लेन दाल चावल के साथ खाएं या फिर चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही चटपटा लगता है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।